सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दोपहर देहरादून वापस लौट जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उसके लिए तूफानी प्रचार में वो जुटे हुए हैं और आज इसी बीच अपने तमाम प्रचार के बाद वो दोपहर में देहरादून वापस लौटेंगे, जहां पर सचिवालय में शासकीय काम वो इस दौरान निपटाएंगे। तो दिल्ली में आज कोई जनसभा नहीं करने वाले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। 5 फरवरी तक दिल्ली में रहने का उनका कार्यक्रम था, हालांकि इस बीच वो देहरादून लौटेंगे जहां पर सचिवालय में कुछ उनके जो जरूरी काम है वो इस दौरान उनको निपटाने वाले हैं। तो कई जगहों पर जनसभाएं की, रैली की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जहां पर जनता को लुभाने की कोशिश की गई और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई, और इसी बीच अब आपको बता दें कि अब 5 फरवरी तक दिल्ली में रहने का जो कार्यक्रम था वो अब नहीं है, आगे कोई जनसभा वो नहीं करेंगे। देहरादून आज दिल्ली से वो लौट रहे हैं दोपहर के समय, जहां सचिवालय में जो उनके जरूरी काम है, शासकीय जो काम है वो वहां पर निपटाए जाएंगे। तो पहले 5 फरवरी तक उनका दिल्ली में रहने का कार्यक्रम था, जहां पर अब फिलहाल उस कार्यक्रम को टाल दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, क्योंकि शासकीय काम जो सचिवालय में लंबित हैं उनको अब निपटाने के लिए वो आज दोपहर दिल्ली से वापस देहरादून के लिए निकलेंगे। तो 8 फरवरी को चुनाव है दिल्ली में और उसके लिए तमाम बीजेपी शासित जो राज्य है वहां के मुख्यमंत्री यहाँ पर जुड़ रहे हैं और एक साथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और देहरादून से ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, सचिवालय में शासकीय काम निपटाना है, इसका यहाँ पर फिलहाल हवाला दिया गया है 5 फरवरी तक। पहले हालांकि कार्यक्रम था दिल्ली में रहने का और चुनावी जनसभाओं का, लेकिन अभी क्या वजह यही है कि शासकीय काम है उनको निपटाने के लिए प्राथमिकता दी गई है? हाँ बिल्कुल, अगर कहा जाए तो किसी मुख्यमंत्री का 5 से 6 दिन प्रदेश से बाहर रहना और शासकीय काम कहीं अटक जाते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है मुख्यमंत्री अपनी जो फाइलें अभी लंबित हो गई हैं कहीं लगभग 2 से 3 दिन तक, तो उसको क्लियर करने आए हैं। और आज उनका कोई जनसभा दिल्ली में नहीं होगी और पूरे दिन भर का आज का कार्यक्रम देहरादून में ही है और सचिवालय में भी लगभग शाम को 6 से 7 बजे तक का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। 12:30 बजे के लगभग वो देहरादून पहुंच जाएंगे और उसके अलावा उसके बाद सीधा सचिवालय पहुंचेंगे। तो ऋतु जी, कोशिश यही है सीएम की जो, क्योंकि लंबित जो काम है, फाइलें हैं, उनको निपटा लिया जाए, तो मुख्यमंत्री का आज का जो कार्यक्रम है वो दिल्ली में किसी जनसभा का नहीं है, वो देहरादून में शासकीय काम निपटाने का है। चलिए, धन्यवाद आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।